हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बहुत ही ब्यूटीफुल सा वेलवेट ब्लाउज का डिज़ाइन हम देखेंगे। ये प्रिंसेस कट बोट नेक प्लस पैडेड ब्लाउज है, वेलवेट में है। बहुत ही अच्छा वर्क है ब्लाउज में मेन फैब्रिक पर। तो ये है जो हम ब्लाउज में यूज करेंगे। तो ये है मेन फैब्रिक, ये है अस्तर। एक कप्स यूज करेंगे 32 साइज के, वो पेपर भी लगेगा हमें। तो पहले हम स्लीव्स कट करेंगे क्योंकि स्लीव्स बाद में ज्वाइन करने पड़ते हैं। तो स्लीव्स पहले हम कट करेंगे। 11 इंचेस हाइट ली है, 3 इंचेस स्लीव्स डाउन किया है। ऐसे दो लाइंस हमें ड्रॉ करनी है। आर्मोल है 7.5 इंचेस, मेजरमेंट आपको स्क्रीन पर देखने मिलेंगे। तो ऐसे तिरछी लाइन हमें ड्रॉ करनी है और स्लीव्स का शेप यहाँ पर देना है। नीचे 4.5 लिया है और 2 इंचेस का मैंने मार्जिन रखा है स्लीव्स में। तो स्लीव्स हम कट करेंगे। कट करने के बाद फ्रंट में हम थोड़े से कट और करेंगे, थोड़ा सा कट गहराई देंगे उसे। तो अब आ रही आती है बैक नेक की। तो बैक नेक में ब्लाउज हमारा बोट नेक है, तो 14.5 इंचेस मैंने हाइट रखा है और शोल्डर मैंने जितना था उतना लिया है। तो 7 इंचेस मैंने शोल्डर और आर्म होल भी आपको 7 इंचेस तक ही लेना है। और मैंने शोल्डर की जो पट्टी है वो रखी है 3 इंचेस की। तो आर्मोल आपको लेनी है 7 इंचेस का, यहाँ पर ऐसा बॉक्स बनेगा। तो 8 इंचेस मैंने चेस्ट साइज लिया है और 2 इंचेस का मार्जिन लिया है। तो आर्मोल हमारा है 7.5 इंचेस, तो ऐसे हमें मेजर करना है। तो मेरा आ रहा है 7 इंचेस, मैं थोड़ा सा नीचे से बढ़ाऊंगी ताकि हमारा आर्मोल बढ़ जाए और ब्लाउज अच्छे से आ जाए। तो बोटनेक ब्लाउज में आपको ये समझना है कि थोड़ा आर्मोल ज़्यादा ही रखना है, नहीं तो वो बैठता नहीं है ब्लाउज। तो थोड़े से और हमें बढ़ाना है। तो हमारा 7.5 इंचेस आप देख सकते हैं, ऐसे मेजर करके आ रहा है मेरा 7.5 इंचेस। और जो हमारा वेस्ट है वो लेंगे हम 6.5 इंचेस। तो 26/4 होता है 6.5 इंचेस, और 1 इंचेस फॉर प्लेट्स एंड 2 इंचेस फॉर द मार्जिन। अब नेक लिया है मैंने 4 इंचेस का हाइट, ऐसे बॉक्स बनाऊंगी। और आपको जितना भी शेप आपको पसंद है वो आप दे सकते हैं आपके हिसाब से। तो मैंने राउंड बनाया है, नीचे से मैंने लिया 2.5 इंचेस। और मैं यहाँ पर जो बॉक्स बना है वहाँ पर मुझे डिज़ाइन ड्रॉ करना है। आप यहाँ पर कौन सी भी डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं, हार्ट शेप, ड्रॉप नेक शेप, कौन सी भी आपको ऐसी पसंद है। थोड़े से मैंने स्लीव्स डाउन किए हैं और ये बैक की कटिंग, बैक पार्ट को हमें पेपर पे रखना है। और आर्म होल एंड शोल्डर हम ऐसे जितना बैक में है उतने ही ड्रॉ करेंगे। और थोड़ी सी मैंने हाफ इंचेस जितनी जगह रखी है हुक के और आई के लिए। तो हमारा बैक भी बोट नेक है और फ्रंट हमारा है डीप नेक। तो मैंने थोड़ा सा 1 इंच अंदर के साइड लिया है आर्म होल, ताकि हमारा ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए। तो आपको भी अगर आपका बैक नेक पीछे से बैक नेक बोट नेक है और आगे से डीप नेक है, तो आपको जो फ्रंट वाला है थोड़ा सा वो कम करना है उसका शोल्डर। तो पीछे मैंने 7 इंचेस लिया था शोल्डर, तो आगे आपको 6 इंचेस ही लेना है और ऐसे आर्मोल उसके साथ मिला देना है। तो फ्रंट नेक आप ही हिसाब से आप ले सकते हैं। तो मैं स्वीट हार्ट नेक बना रही हूँ फ्रंट में, 7 इंचेस हाइट है नेक के। तो ऐसे मैंने शेप दिया है। अब हम डालेंगे टक्स पॉइंट। तो टक्स पॉइंट मैंने लिया है 10 इंचेस का। तो ये 32 साइज का ब्लाउज है चेस्ट का, तो मैंने यहाँ से 3.2 इंचेस लिया है। जो भी आपका 32 है उसका 10th पार्ट करके। तो यहाँ पर नीचे मैंने 2.5 पर ऐसे डाउन किया है, अंदर की साइड हाफ इंचेस रखते हुए ऐसे तिरछी लाइन मैंने ड्रॉ किए। तो यहाँ पर हमारा ट्रायंगल बनाना है 2.5 इंचेस का। तो तीनों साइड हमारे ट्रायंगल के 2.5 इंचेस ही होने चाहिए। तो ऊपर से शोल्डर की तरफ से यहाँ से मैंने लिया है 4.5 या 5 इंच भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पर ऐसे प्रिंसेस कट का शेप दिया है। अब हमें वेस्ट नापनी है, तो प्लीट्स को छोड़ के हमें चाहिए 6.5। तो यहाँ पर मैंने उस तरफ का 2.5 और इस तरफ का लिया है कुछ, तो मिलाकर 6.5 हो रहा है और 2 इंचेस का मार्जिन रखा है मैंने। अब हमें क्या करना है, जो बैक पार्ट था उसका मार्जिन और फ्रंट पार्ट का मार्जिन हमें मैच करना है। तो इसके लिए पहले हम इसको थोड़ा सा कट करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा हो रखा था थोड़ा सा। तो मार्जिन टू मार्जिन हमें ऐसे चेक करना है।
तो आप यहाँ से आर्म होल की तरफ से आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचना होता है फ्रंट वाला पार्ट, और नीचे भी हम थोड़ा सा कम करेंगे 0.1 जितना, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और यहाँ से नापेंगे हम और कट करेंगे, तो हमारी फ्रंट की भी कटिंग हो चुकी है और बैक की भी हो चुकी है। अब हम जो प्रिंसेस कट वाला पार्ट है उसको मेन फैब्रिक पर रखेंगे, सॉरी अस्तर पे रखेंगे। अस्तर को हमें इस तरह से रखना है, और थोड़ा सा हमें स्टिचिंग के लिए चाहिए थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा, तो हम हाफ इंच जितना हम आगे से बढ़ाएंगे ताकि वो हमारा सिलाई में चला जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ से। तो दूसरे पार्ट को भी सेम हमें इसी तरीके से करना है मिडल से, बाकी हमें कुछ नहीं बढ़ाया, सिर्फ मिडल से ही हमें स्टिचिंग डालनी होती है, तो वहाँ से ही हम बढ़ाएंगे सिर्फ। तो आप देख सकते हैं मैंने सारा कट किया है मेन फैब्रिक पर भी। अब हम चलते हैं स्टिचिंग की ओर। तो बैक वाला जो पार्ट है उसको हम मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर रखा है, और जो ऊपर वाला नेक है और जो नीचे वाला वेस्ट साइज है उसको हम पहले पैक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल एक के ऊपर एक रखना है, क्योंकि वेलवेट का फैब्रिक बहुत ही फिसलता है, इसका थोड़ा सा डिज़ाइन है इसलिए वो फिसलता नहीं है थोड़ा सा, और जितना भी प्लेन फैब्रिक है वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा वही फिसलता है, उसमें तो स्टिचिंग आती ही नहीं है, बहुत मुश्किल पिन लगा कर हमें करना होता है। तो आप देख सकते हैं मैंने ऊपर का नेक और सिर्फ नीचे का मैंने स्टिच किया है, और जो अनवांटेड फैब्रिक है वो हम काट देंगे। तो पलटने के लिए मैंने थोड़े से कट्स लगा है नेक के ऊपर, और पलटने के बाद हम इसके ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। तो मैंने ऐसे ही फोल्ड करके सिलाई लगाई है, तो वेलवेट में इतना चलता है और दूसरे फैब्रिक में ऐसा नहीं चलता है, क्योंकि हमें अस्तर के ऊपर भी स्टिचिंग करनी होती है। तो उसके बाद हम चारों तरफ से उसे सिल लेंगे, और जो मिडल पार्ट है वो निकालेंगे हम बैक का, और उसके ऊपर हमें अस्तर का, ये अस्तर के ऊपर हमें कैनवास चिपकाया है, तो जितना भी बड़ा आपको शेप चाहिए कैनवास का या बैक के नेक का उतना हमें करना है, तो उतना विड्थ आपको लेना है ज्यादा। तो ये नॉर्मल विड्थ है, तो जो भी आपको उल्टा रखना है सीधा रखना है आपके हिसाब से आप रख सकते हैं। मैंने इस तरह का शेप दिया है, अच्छे से सिक्योर करना है पिन से, उसके बाद उसके ऊपर हम चारों तरफ से ऐसे सिलाई लगाएंगे कॉर्नर से। ध्यान रहे कि कैनवास के ऊपर नहीं जानी है सिलाई, कैनवास को बिल्कुल चिपकाते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो जो नीचे की पट्टी है वो आप 3 इंचेस की रख सकते हैं, 4 इंचेस की भी रख सकते हैं, लेकिन 3 इंचेस से आपको अच्छा शेप मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा भी वो पट्टी अच्छी नहीं लगती 4 इंचेस की। तो जितना ही आपको शेप पसंद है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, उतनी रख सकते हैं पट्टी। तो मैंने चारों तरफ से इसको सिला लिया है, अब हम कट करेंगे और उसको पलट देंगे। तो पलटने के बाद हमारा बैक पार्ट हो जाता है। ध्यान रहे इसके ऊपर कट्स भी लगाने हैं हमें, और फिनिशिंग की सिलाई भी लगानी है इस तरह से। तो कैनवास को बाद में आपको हाथ सिलाई भी कर सकते हैं या फिर उसके ऊपर एक स्टिच भी लगा सकते हैं। तो ये है फाइनल लुक, बहुत ही अच्छा है। जो हमारा पार्ट था मिडल वाला जो थोड़ा सा था वो, उसको हम नेट भी लगा सकते हैं, क्योंकि खुला खुला को भी पसंद नहीं आता है किसी को, तो उसके ऊपर आप सेम पिंक कलर का नेट भी लगा सकते हैं। और ये मैं अंडरग्राउंड पाइपिंग कर रही हूँ, मेन फैब्रिक था उसके ऊपर मैंने पाइपिंग की रखा है रेडीमेड पाइपिंग, और उसके ऊपर मैंने रखा है अस्तर, तो हमें ऐसी सिलाई लगानी है उसके ऊपर। तो आप सिंगल फुट का भी यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ऐसे पलटने के बाद बहुत ही अच्छा निकल आता है। उसके बाद इसके ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे, तो पाइपिंग आपको चुभती भी नहीं है और बहुत अच्छा लुक देती है ये, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ी सी सिलाई लगाएंगे, सिलाई लगाने के बाद हम चारों तरफ से जितना हमारा अस्तर का कपड़ा है उसको हम बराबर करेंगे मेन फैब्रिक के कपड़े को भी, क्योंकि हमें आगे से पैड भी लगाने हैं। तो अस्तर को भी और मेन फैब्रिक को भी सेम इसी तरीके से कट कर लेना है दूसरे पार्ट प्रिंसेस कट को। तो
तो प्रिंसेस कट का जो मेन फैब्रिक का पार्ट है, मेन फैब्रिक को हम ज्वाइन करेंगे। ध्यान रहे कि सिलाई अंदर की तरफ जानी चाहिए, मतलब अंडरग्राउंड हो जाएगी वो सिलाई। तो अस्तर का पार्ट भी सेम हम इसी तरीके से अटैच करेंगे, सिलाई अंदर की तरफ होनी चाहिए और नीचे से हम ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हमें ऊपर से आर्म होल अब बढ़ भी गया थोड़ा, तो हम इसको कम कर सकते हैं। अब हम अटैच करेंगे कप्स। तो कप्स का मिडल पार्ट निकालना है ऐसे, और उसके ऊपर हमें ऐसे मार्क करना है। मार्क करने के बाद मैंने नीचे से छोड़ा है 2.5 इंचेस, आप 3 इंचेस तक छोड़ सकते हैं, और उसके ऊपर हमें हाफ जो कप है हमारा वहां तक हम सिलाई लगाएंगे पक्की वाली, तो उससे भी बहुत अच्छा पैड हमारा सिक्योर होता है उसका ब्लाउज के साथ। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा पफ आया है इसे। अब चारों तरफ से हम इसको स्टिच करेंगे। तो स्टिच करने के बाद ये मेरा एक हो गया है, दूसरा भी मैं सेम इसी तरीके से तैयार करूंगी, दूसरा वाला पार्ट। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकॉन तो जरूर दबाना है आपको, ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास बहुत ही जल्द पहुंचे। उसके बाद नीचे से हमें ये मैंने पट्टी ली है 1.5 इंच जितनी, उसको हम जस्ट फोल्ड करेंगे और नीचे से भी पैक कर लेंगे। तो दोनों तरफ से सेम हमें इसी तरीके से करना है, और आई होप की पट्टी भी हमें लगानी है। उसके बाद हम बैक वाले पार्ट को ऐसे मिडल से मेजर करेंगे, क्योंकि हमें फिटिंग के डालने हैं निशान। तो 6.5 मैंने लिया है एक वेस्ट का पार्ट, और यहाँ से 2 इंचेस जितना लेंगे मैं, और यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है हमें। तो सेम हमें फ्रंट पार्ट में भी करना है, वेस्ट हम मेजर करेंगे पट्टी छोड़कर आई वाली। तो यहाँ से भी हम 8 इंचेस मेजर करेंगे, क्योंकि 32 साइज का है ये, और आर्म होल भी हम ऐसे 7.5 इंचेस चेक करेंगे। ऐसे हमें दोनों साइड से करना है। तो अब हमारा काम रहेगा सिर्फ हम इसको स्लीव्स अटैच करेंगे। उससे पहले स्लीव्स अटैच करने से पहले हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमारा दोनों मार्जिन सेम होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो या आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर आया है, तो मैं इसको कट करूँगी। तो दोनों साइड से सेम हमें इसी तरीके से मेजर करके कट करना है, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो उस साइड से भी कट करना है अगर ज़्यादा हुआ हो तो। तो बिल्कुल आपकी स्लीव्स परफेक्ट बैठेगी। तो दोनों साइड से हम ऐसे ही करेंगे, और इसको हम स्लीव्स लगाएंगे तो सेंटर में आपको लगाना चाहिए शोल्डर के ऊपर ऐसे रखते हुए। तो स्लीव्स लगाने के बाद हमारा काम रहता है कि सिर्फ फिटिंग की हमें स्टिच डालनी है, एक और दो आप डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो ये रहा ब्लाउज का फाइनल लुक। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए कमेंट में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, ताकि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो ऐसे ही वीडियो आपके लिए मैं लाती रहूँगी, तो सिर्फ सपोर्ट कीजिए आप, और मेरी हर वीडियो देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइंस हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।